बच्चों को दंगाई बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल थे। अभी आपने देखा होगा कि कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। चैनल के लोग पैसे लेकर हिंदू मुस्लिम डिबेट खड़ा कर रहे हैं। सही पूछिए तो प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है। पिछले साल से हम इस मामले में दिल्ली पुलिस की कामयाबी को ट्रैक कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कई प्राइवेट कंपनियां जिनकी संख्या दर्जन से ज्यादा है अब पैसे लेकर परीक्षा का आयोजन करा रही हैं। यह धंधा बन चुका है। ऐसी एक कंपनी को ठेका मिला था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा आयोजित करती है। यह अमेरिका की कंपनी है। इसने दिल्ली पुलिस से माना कि परीक्षा के सिस्टम को कोई भी हैक कर सकता है। तब भी हमने सवाल उठाया कि क्या हम मेडिकल के छात्रों के लिए एक ईमानदार परीक्षा व्यवस्था नहीं बना सकते। दिल्ली पुलिस ने बहुत मेहनत से चार्जशीट तैयार की है। नोएडा चंडीगढ़ में छापे मारे, इसमें भी चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, सेम तरीका। मगर अफसोस, बाकी पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकी। इस मामले में मध्य प्रदेश में हुए मेडिकल परीक्षा प्रवेश परीक्षा की धांधली के मामले में केस लड़ने वाले आनंद राय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। ये एक और बात, सरकार खुद ऐसे मामले में छात्रों की तरफ से केस नहीं लड़ती, किसी आनंद राय को सामने आना पड़ता है। आज तक चोरी हो रही है अलग अलग परीक्षाओं में, जबकि मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले का विभत्स रूप हम देख चुके हैं। 592 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर है, 200 के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। इस जांच को भी धीमा किए जाने की रिपोर्ट आप दिवायर हिंदी के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। ये सब होने के बाद भी आज तक हर जगह धड़ल्ले से व्यापम हो रहा है। कभी आपने सोचा कि जब ये छात्र 12वीं पास करके कॉलेज की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? कभी आपने राज्यों में कॉलेजों की हालत देखी, अपने जिलों में, राजधानियों में, वहाँ शिक्षक हैं या नहीं ये पता किया है? पता कीजिए। स्कूल की पढ़ाई को लेकर आप इतना टेंशन में रहते हैं, आपके बच्चों के लिए नाम मात्र के कॉलेज बचे हैं। नेताओं ने कॉलेजों को बर्बाद किया पैसा कमाने के लिए, अपने नाम पर कॉलेज खोल लिए। आपको यकीन ना हो तो आप राज्य बताइए, वहां आकर मैं दिखा सकता हूं। यूनिवर्सिटी सीरीज में आपने देखा होगा कि कॉलेज के कॉलेज कबाड़ में बदल दिए गए। कुछ कॉलेज बचे हैं, वहां नई समस्याएं दस्तक दे रही हैं। जब आप